बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया बीट पाकिस्तान बाय 79 रन, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। पैट कमिंस आउटस्टैंडिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही बॉल्स इन द होल मैच 38 ओवर 3 मीटर, 97 रन एंड 10 विकेट्स। आउटस्टैंडिंग पैट कमिंस, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान लॉस 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया। भाई कब जीतोगे, मेहरबानी करो बता दो कब जीतोगे? 2 साल बाद जीतोगे, अगले 2 साल बाद जीतोगे, 10 सालों बाद जीतोगे, कब जीतोगे बता दो यार, बस करो। इतनी हुकूमतें आई चली गई, मार्शल आया लग के चला गया, पीपल्स पार्टी हुकूमत आई चली गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई चली गई, इमरान खान की हुकूमत आई चली गई, पीडीएम की हुकूमत आई चली गई, उधर से माशाल्लाह से इलेक्शन आ गई इस मुल्क के 2023 में, और आज वो टेस्ट मैच नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया में, 16 कंसेकटिव टेस्ट मैच। भाई बस करो यार, बस करो। वो कितना नहीं खेला जाता भाई, घर बैठे ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, तो भाई हमसे वैसे पॉइंट्स ले लो, हम नहीं खेल सकते आपके मुल्क में, हम इस कैटेगरी के हैं ही नहीं, क्योंकि हमारी टीम 300 भी नहीं कर सकती। पूरा दिन तो दूर है खेलने की बात, वो 300 भी नहीं कर सकते, ना फर्स्ट इनिंग्स में ना सेकेंड इनिंग्स में, हम 300 के रखते ही नहीं है। 300 को तो हम कुछ समझते नहीं है, हमारे पास की टीम इसलिए कुछ करती नहीं है। 300 अजीब लोग हैं, 300 नहीं हुआ यार, 314। पहले इनिंग्स में तो 52 आपने एक्स्ट्रा दिए, 54 उन्हें लीड मिली, वही 52 आपने एक्स्ट्रा ना दिए होते आज आपका क्या स्कोर होता, और आप नियर होते 10 स्कोर से पकड़ लेते आपने आराम से इजली। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा पहले इनिंग में 52 फेंके, फिर यहाँ देख लें जी शाह मसूर और सलमान अली के अलावा किसी ने कोई स्कोर नहीं किया, दोनों ने सेंचुरी के अलावा किसी कोई सेंचुरी सेंचुरी तक तक करना पसंद ना समझिए। बाबर आजम नेवर स्कोर सिंगल हाफ सेंचुरी इन 2023 ईयर, अपने आप को नंबर वन प्लेयर समझता है, छोटी टीमों के खिलाफ तो बाकी सेंचुरी बना रहा होता है, जैसे बड़ी टीम आती फुस हो जाता है, जीरो हो जाता है, अजीब है भाई। इस पूरे साल में तो अपनी बाबरी से बाबर आजम साहब इनिंग चेक करो, ऑलमोस्ट 8 to 9 times आप बोल्ड हो चुके हैं इस ईयर के अंदर। आपने अपनी वीकनेस के ऊपर काबू नहीं किया, पहले आप स्पिनर की वीकनेस थी वो काबू नहीं, आपसे बॉल अंदर थी बॉल नहीं काबू होती आपसे, हर सीरीज खेलनी थी ना भाई जान, हर सीरीज खेलनी थी, हर रिकॉर्ड बनाना था, आया मुंह के बल नीचे दिखाया अल्लाह ने कि भाई दूसरों का जब हक खाओगे तो ये होगा। हर छोटी सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने खेलना है, नीदरलैंड के खिलाफ आपने खेलना है, आयरलैंड के खिलाफ आपने खेलना है, चीन के खिलाफ आपने खेलना, बांग्लादेश के खिलाफ आपने खेलना, नेपाल के खिलाफ आपने खेलना, तो भाई फिर ऐसे ही होगा ना, रिकॉर्ड तो फिर बनाओगे आप छोटी टीमों के खिलाफ, आपकी मोस्ट सेंचुरी आपकी यही छोटी टीमों के खिलाफ, कितनी बड़ी टीमों के खिलाफ है यार आपका स्कोर। मतलब मोहम्मद रिजवान साहब को देख लो, चेस्ट पे बॉल आ रही है भाईजान, एक्टिंग नहीं खत्म हो रही, यहाँ लग के जा रही, साफ पता लग रहा है अंपायर वगैरह जी मेरे यहाँ लगी है बॉल, साफ पता लग जाता है यहाँ लग के जा रही है बॉल। हॉटस्पॉट में भी देखा उन्होंने, हॉकआई में के अंदर भी देखा उन्होंने, स्नीको में भी देखा, ट्रैश के अंदर साफ पता लग रहा है भाईजान की यहाँ लग के जा रही है बॉल, मस्तियां नहीं खत्म हो रही भाईजान की, मस्तियां नहीं खत्म हो रही भाईजान, पीछे शॉट खेल रहे पूरा नीचे बैठ के बैट को ऊपर ला रहा है, भाई नीचे बैट के ऊपर कौन आता है, थोड़ा पूछ लगे यूं खेलते हैं शॉट, ऊपर से गेंद तेरे यहाँ जा रही है, ये तेरा बैट है, ये तेरे फेस है, बॉल यहाँ से लग के जा रही है, तू क्या बैठ रहा है भाई, तुझे बॉल ही जज नहीं हो रही तुझसे, अजीब यार आप लोग खेलने वाले हो भाई। 6 प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं टीम के अंदर, और 6 प्रॉपर बैट्समैन से 317 नीचे इस हुआ, 317 सिर्फ 317, और अभी एक दिन बाकी था, पता नहीं सबके बच्चे रो रहे थे, सबके बीवियां रो रही थी, सबकी माए रो रही थी, क्या रो रही थी, जल्दी बड़ी थी जाने की, स्कोर तो चेस करने गई थी, पर्ची प्लेयर को देख लो इमाम मलिक साहब को, पूरी सीरीज में क्या परफॉर्म किया उसने, वर्ल्ड कप में भी 0 परफॉर्मेंस, यहां भी 0 परफॉर्मेंस, एशिया कप में भी 0 परफॉर्मेंस,
टीम में लेके जा रहे जी इंजमाम उलग का वो कुछ लगता है। ये तो हमारी सिलेक्शन कमेटी है हमारी, ये तो हमारा पीसीबी है जो नवाज से अपने यारों को उनके बच्चों को भी आगे दे। सौ शकीर साहब भजन आप श्रीलंका में नहीं खेल रहे, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। मिचेल साहब ने आपको हाइट पे बॉल फेंकी, आप लेफ्ट कर दो यार, खेलना जरूरी है। आप इतना उछल के खेलोगे इनको, अपनी टो पे भी टो से भी ऊपर आके खेलो आप गेंद को। ये इतना गया था, आप एक्शन रिप्ले में देखना इतना ऊपर था भाईजान हवा में शॉट खेलने गया। अब चिटका सर तो है ऊपर जाती है तुझे क्या तो उंगलबाजी करने की भाई, फजूल में कैच पकड़ा दिया। अब्दुल्ला शफीक साहब कैच छोड़ते हो तो मैच भी स्कोर भी कर लिया करो, सारे मुंह पे मली बैठे हैं। शाहिद अफरीदी साहब को देख लो, लॉ कलंदर की कैप्टनसी मिली है, ऐसे छक्के मार होता है जैसे बहुत बड़ा प्लेयर है, यहाँ के खुश हो गया यार, गेंद ही रोकी गई तुझसे। जी मरासी तबियत के लोग हैं भाई, इधर सारा मैच वो वाड़ के रख दिया पकड़ के। डब्ल्यू टी टी चैंपियनशिप में आप पांचवें नंबर पे आ गए हो, अभी परसेंटेज 45.83 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया तीसरी पोजीशन पे था पहले भी, अभी भी तीसरी पोजीशन पे, लेकिन उसने अपनी परसेंटेज स्ट्रांग कर ली है, 50% पे आ गया है। पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे इंग्लैंड, पांचवें पाकिस्तान, छठे पे इंडिया है। अदर नाइट इंडिया जो टेस्ट मैच आ रहा है 38.39% आ गई है। कोई यार कोई नजर नहीं आ रही, क्या प्लानिंग है क्या कुछ है, कुछ नजर नहीं आ रहा भाईजान। टीम में कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई फाइट करने आया है, लड़ने आया है, क्या करने आया है। 6-6 प्रॉपर बैट्समैन होने के बावजूद आप 317 चेयर हो रहा, और ऊपर से आप 90 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हो। 90 ओवर तो खेलो यार, चलो यार 90 ओवर खेल लो यार, कुछ ना कुछ तो बनता है स्कोर। 2.5 ओवर में तुम आउट हो गए, बाहर आ गए हो। आज ही खेली तुम्हें लंच से पहले बॉल, बैटिंग मिली थी, डे भी नहीं खत्म हुआ, तुम लोग घर मैच हरवा के घर आ गए हो। चबल इंसान, घटिया टीम। उधर इंडिया की मैच की बात कर लेते हैं, इंडिया कल इनिंग्स से डिफीट आ रही है, माने 33 स्कोर से और एक इनिंग्स की डिफीट से आ रही है इंडिया। इंडिया 5 नंबर पर डब्ल्यूसी चैंपियनशिप के 6 नंबर पर आ गई है। कल कोहली बहुत कम आ गया, बहुत अच्छे खेला, 76 रन की इनिंग्स खेली, जहाँ इतना क्रिटिकल सिनेरियो था लेकिन उसने स्कोर किया, बड़ी अच्छी डिफेंसिटी की, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ खेलना बहुत ही मुश्किल होता है इंडियन बैट्समैन के लिए। कोहली एज यूजुअल नो डाउट इज अ लेजेंडरी प्लेयर, 73 स्कोर। और इंडिया नेक्स्ट मैच के लिए इंडिया के 102 पॉइंट्स कम हो गए हैं, और इंडिया 10% फाइन हुआ है स्लो ओवर रेट का, जो पाकिस्तान के साथ हुआ था मेलबर्न टेस्ट से पहले, वही आज इंडिया के टास्क से चोरी करने हैं। 2 पॉइंट्स भी कटेंगे और इनका 10% फाइन चार्ज भी हुआ स्लो ओवर रेट का। आते हम इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर बात कर लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर अदर नाइट ब्राइटन बीट टॉटनहम हॉटस्पर, वेस्ट हैम बीट आर्सेनल, आर्सेनल लॉस देयर टॉप पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स टेबल, 2-0 द वेस्ट हैम से हारी है। 77 टचेस इन्होंने वेस्ट हैम बॉक्स के अंदर 77 टच किए हैं आर्सेनल प्लेयर्स ने, एक कोई सिंगल टच गोल के अंदर कन्वर्ट नहीं किया भाई जान लोगों ने। आर्सेनल को भी ना पाकिस्तान टीम का गंदी आदत है, खेलने पे तो अच्छा खेलेगी तो ऐसा मैच हारेगी, तो ऐसा गंदा मैच हारेगी, जैसे कोई ऐसा गंदा खेलेगी वो बता नहीं सकता। सारा रात मूड खराब किया इन लोगों ने, पूरा मैच देखा बैठ के। गैब्रियल जीजू को देखो, हेडर मारा भाई तू, बाहर मारा ना कीपर है ना डिफेंडर, स्कूल से हेड मार ले भाई तू, ओपन चांस उन्होंने मिस किया। पॉइंट से बढ़ दूसरे नंबर पर आप आ गए हैं, उधर ब्रैटन ने 4-2 से हराया है टॉटनहम को, और उधर से मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मसों मैच जीत गए हैं, और जिस दिन वो मैच जीते उससे 2 नेक्स्ट 2 डेज इन्होंने जीना आराम किया। उधर वेस्ट हैम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ने इंस्टाग्राम खोलो, स्नैपचैट खोलो, टिकटॉक खोलो, फेसबुक रील्स खोलो, कुछ भी खोलो, स्टेटस फेसबुक खोलो, स्टेटस लगे पड़े हैं वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के, जीना आराम किया हुआ है। क्या एक गलती से मैच जीत गए 3-2 से एस्टन विला से, जी नाराम इन्होंने किया हुआ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों ने।
जब आते तो सारे कुछ मर जाता है, सब कुछ, कुत्ती भी सूख जाती है इनकी, सब कुछ सूख जाता है, फिर नजर भी नहीं आते, फिर फोन भी नहीं उठाते, जब जी जाए तो जिन्होंने जीना आराम कर देते हैं। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर अपने कमेंट्स में सजेशन दीजिए।